सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई ये जो एसएमपी है वो है एक लाइफ स्टील एसएमपी। तो बेसिकली मेरे को चार टोटम ऑफ अंडाइन तो चाहिए ही चाहिए एक हार्ट के लिए। भाई बड़ा मुश्किल रेसिपी बनाया है भाई ये लोग। सो यस वी नीड टू गो टू द एंड डायमेंशन एंड गेट द ओ भाई ओ ओ ओ भाई विलेज 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 ओए ओए अबे नहीं अबे अबे ओए आयरन गोलम अबे व्हाट बाय 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 नहीं वेल ओके तो मुझे बुलाया गया है फेदर एसएमपी के सीजन 3 में। अब तुम लोगों को जिन लोगों को भी फेदर एसएमपी के बारे में नहीं पता, ये एक एसएमपी है जो कि मेरा एक फ्रेंड चलाता है अभी ओपी। तुम लोग उसके चैनल को भी जाके चेकआउट कर सकते हो और उसका एक सर्वर है वॉर नेटवर्क। इसमें हम लोग खेलने वाले हैं एक स्पेशल टाइप का एसएमपी जो कि मल्टीपल यूट्यूबर्स इसमें खेल रहे हैं और इसमें मुझे भी अभी की तरफ से इन्विटेशन आया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई ये जो एसएमपी है वो है एक लाइफ स्टील एसएमपी। अब तुम लोगों को जिन लोगों को भी नहीं पता होगा लाइफ स्टील के बारे में, तो बेसिकली इसमें अगर तुम किसी को मारते हो तो उसका हार्ट तुम्हारे पास आ जाता है और अगर कोई तुमको मार के चला जाता है तो तुम्हारा हार्ट उसके पास चला जाता है। एट द एंड अगर तुम सारे हार्ट लूज आउट कर देते हो तो फिर तुम इस सर्वर से बैन हो जाते हो या फिर हमेशा के लिए तुम्हारा ये एसएमपी का जर्नी खत्म हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर दिया और अगर मैं तुम लोग को ज्वाइन करके दिखाऊं तो तुम लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक हार्ट कम है यहाँ पे। अगर तुम लोग काउंट कर रहे होगे तो सिंपली लिखा हुआ है यहाँ पे 9 हार्ट्स है। तो भाई मेरे को जब तक पता चला था कि ये एक लाइफस्टाइल सर्वर है तब तक मैंने अपना एक हार्ट दे चुका था। तो यस सॉरी और क्या कर सकते हैं, मुझे पता नहीं था यार कि लाइफस्टाइल का लॉजिक वॉजिक। ठीक है तो जल्दी से पहले सो लेते हैं यार। हुआ क्या था ना, मैंने जब ज्वाइन करा था, ओ भाई यहाँ पे सिटिंग एरिया किसने बनाया, वॉट वाओ, स्टार्टर प्लेयर्स के लिए कितना ख्याल रखा जा रहा है, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो। लेकिन भाई मेरे को जितना पता चला है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है लोगों ने। मतलब लोगों के पास, अभी का मैं वीडियो देख रहा था भाई, उस पर प्रॉपर पीवीपी किट है जिसमें उसके पास टोटम वगैरह सब कुछ है। तो भाई यार ये गेम बहुत आगे बढ़ चुका है, मैं बहुत लेट हूँ इसमें ज्वाइन करने के लिए, बट कोई नहीं, हमें कोप अप करना पड़ेगा गाइस, तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मेरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट होने वाला है वो ये है कि ये मेरा जो एक हार्ट गया ना यहाँ से उसको वापस लाना। अब इस हार्ट को लाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला किसी को मारो, लेकिन अगर हम टैब दबाते हैं तो ये सिनेरियो तो अभी नहीं बन रहा है क्योंकि कोई अवेलेबल ही नहीं है जिसको मैं मार करके उसका हार्ट ले सकता हूं, नो इश्यूज। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग हार्ट्स क्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो यस तुम लोग को भी पता है कि पीवीपी में मैं कितना ज्यादा अच्छा हूं, तो ऑब्वियसली मैं कौन सा ऑप्शन चूज करने वाला हूं तुम सबको पता है। लेकिन हार्ट्स क्राफ्ट करना इतना भी आसान नहीं है गाइस। इसमें हार्ट्स क्राफ्ट करने के लिए बहुत सारे ओपी ओपी एलिमेंट्स चाहिए रहते हैं, जैसे नीदराइट, डायमंड ब्लॉक्स, टोटम ऑफ अंडाइंग और हार्ट एलिमेंट, पता नहीं क्या क्या चीजें चाहिए रहती है, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मेरे पास उसका कोई रिसोर्स है। भाई देख रहे हो खाली पड़ा है भाई मेरा पॉकेट, ना ही मुझे सर्वर ज्वाइन करने के लिए कोई वेलकमिंग गिफ्ट दिया गया है। कितने बुरे हैं यार लोग, गलत बात है ये। ठीक है तो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा वेनिला गेम और देखते हैं कि कितना प्रोग्रेस कर पाते हैं और इस बीच में कितने और हार्ट्स लूज आउट करता हूं, इसका अपडेट मैं तुम लोगों को जल्दी दूंगा। तो यस लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं पेड़ को तोड़ने। मुझे लग रहा है कि मैं 2-3 बार और तो मरूंगा ही फॉर श्योर, बट लेट्स गो, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सो आई गॉट अ लिटिल कैरिड अवे। हम लोगों ने एक थोड़ा सा बेसिक सा डिसेंट स्टार्ट यहाँ पे कर लिया है। अभी तुम लोग देख सकते हो मैं ऑलमोस्ट फुल डायमंड आर्मर में हूँ। ऑलमोस्ट क्या, मैं हूँ डायमंड आर्मर में बेसिकली। अगर तुम लोग मेरा रिसोर्स रिजर्वायर देखो, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डायमंड्स कलेक्ट कर लिया। मैं बहुत लॉन्ग स्ट्रिप माइनिंग पे गया था तो मेरे को समथिंग इतना अमाउंट ऑफ डायमंड मिल रखा है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि मैं ये सारे डायमंड को यूज़ कर ही नहीं सकता हूँ। दिक्कत यहाँ पे ये है कि बेसिकली हम लोगों को जो हार्ट क्राफ्ट करना है ना, उसमें हम लोग को 4 होल डायमंड ब्लॉक्स चाहिए। तो 4 होल डायमंड ब्लॉक्स मतलब 9, तो अपने को 30 से ज्यादा तो डायमंड चाहिए। और उसमें से मैं सोचा नहीं था, आर्मर वार्मर बनाने से पहले सोचने लाना चाहिए था मेरे को ये चीज। तो मेरे पास अभी भी मैं थोड़ा शॉर्ट हूँ डायमंड को लेकर के, तो इसीलिए मैंने अभी तक बूट्स क्राफ्ट नहीं किया है, बिकॉज मेरे लिए अभी हार्ट ज्यादा प्रायोरिटी पे। क्योंकि अगर तुम लोग देख सकते हो तो मेरे पास एक और हार्ट लूज हो गया है। तो ये इस तरीके से हुआ कि मैं माइनिंग में गया था, वहां पे एक पता नहीं कहां से ये बेवकूफ क्रीपर आकर के बगल में फूट जाता है और उस वजह से मेरा एक और हार्ट चला गया। अब भाई जितना कम हार्ट ना उतना मैं रिस्की सिनेरियो पे पहुंच जाता हूं, क्योंकि उतना जल्दी मेरा हेल्थ डाउन होता है यार। और हार्ट के क्राफ्टिंग के लिए एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट सा एलिमेंट है जो कि है टोटम ऑफ अंडाइंग। हमें एक टोटम ऑफ अंडाइंग भी चाहिए जिसको हम लोग रेड स्टोन के ब्लॉक से कवर करेंगे, तो फिर वो कुछ हमारा एक हार्ट का फ्रैगमेंट बनाएगा। और तुम लोग को पता है वो मेरे को 4 चाहिए टोटल,
तो बेसिकली मेरे को 4 टोटम ऑफ अंडाइन तो चाहिए ही चाहिए एक हार्ट के लिए। भाई बड़ा मुश्किल रेसिपी बनाए हैं भाई ये लोग, थोड़ा आसान रख देते यार, कितना मेहनत है यार इसमें। इससे बढ़िया तो यार मैं 2 मिनट कैंप करके किसी बंदे को मार दूँ, शायद इसीलिए इसको लाइफ स्टाइल बोलते हैं। ओके सो यस, तो आवर नेक्स्ट एक्शन ऑफ प्लान तो यही होगा कि हमें कोई एक विलेज मिल जाए। मैं काफ़ी टाइम से विजिट कर रहा हूँ कि भाई एक विलेज मिल जाए, बट इसके साथ साथ मेरे दो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। दो लॉन्ग टर्म प्लान्स ऐसे हैं कि मुझे इस सर्वर पे चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड। अब तुम लोगों को, जिन लोगों को भी पता होगा, मेरे लॉयल व्यूअर्स को, उन सबको पता होगा कि मेरी एक लौती गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है इलाइट्रा। सो यस, वी नीड टू गो टू द एंड डायमेंशन एंड गेट द इलाइट्रा, सो दैट जब भी पीवीपी वगैरह का सीनारियो बने मैं भग लूं भाई, मेरे को करना ही नहीं है भाई। तो यस, आवर एम इज टू गेट इलाइट्रा फ्रॉम द एंड, एंड ऑल्सो मुझे एक बेस सेटअप करना है यार। शॉर्ट्स में दुनिया भर के बेसेस पड़े हुए हैं, तुम लोग अगर नहीं चेक किए हो तो यस जाकर के चेकआउट करो। हमारे पास वैरायटी ऑफ आइडियाज है तरह तरह के बेसेस बनाने के, तो क्यों ना हम लोग एक बेस यहाँ पे भी बनाए, है ना। तो ये सब लॉन्ग टर्म प्लान है यार, मैं कितना कैसे कंप्लीट करूंगा आई डोंट नो, बट लेट्स गो एंड फाइंड सम विलेज। भाई मैं सीरियसली 2 घंटे से घूम रहा हूँ, ना तो मुझे कोई विलेज मिला है ना ही कोई विलेजर आउटपोस्ट, बस मैं घूमे जा रहा हूँ। मेरा इन्वेंट्री पूरा भर रखा है जंक से, ना तो मुझे समझ आ रहा है कि मैं कहाँ पे सेटअप करूँ अपना बेस। इट इज सो वियर्ड। ओ भाई, ओ ओ ओ भाई, विलेज मिला भाई, विलेज मिला भाई। शुगर केन ग्रोन है, मतलब आस पास आई गेस किसी बंदे का बेस है भाई ये। ये बस अब आई होप कि विलेजर्स हो भाई इसमें प्लीज। भाई टॉल ग्रास, व्हाट, मेरे पास इन्वेंटरी में जगह नहीं है लकी सम। ओए 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 विलेजर्स, भाई मेरी आत्मा निकल गई अभी 2 मिनट के लिए। भाई विलेजर्स हैं यहाँ पे और फॉर श्योर किसी बंदा भी है भाई यहाँ पे। देखूं अंदर कुछ है क्या, क्या टॉल ग्रास क्यों रखा हुआ है भाई हर जगह। मानते हैं रेयर है, पर इतना इतना भी कॉमन मत कर दो कि रेयरनेस ही खत्म हो जाए। इधर क्या है, कुछ नहीं भाई, कुछ तो मिल जा भाई। बंदा अगर यहाँ पे कोई बंदा रह रहा है तो भाई कुछ प्रोग्रेस तो क्या होगा, 2-4 डायमंड आर्मर ही मिल जाए यार। मतलब विलेजर्स तो है, दैट्स गुड थिंग, बट उस विलेजर को मेरे को वहां से गायब करना पड़ेगा। देखते हैं कुछ जुगाड़ लगाते हैं। अबे एक और विलेज है, अबे रुक 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 रुक, साइड में एक और विलेज है यार। इन लोगों का तो लॉटरी लग रखा है यहाँ पे, मेरे से एक भी विलेजर नहीं मिल रहा था भाई। बस मेरे को बेस मिल जाए किसी का। ये देखो यहाँ पे फार्म वार्म भी करके रखा है बंदे ने। नहीं नहीं ये तो विलेजर्स का डिफॉल्ट फार्मिंग है। एक और विलेजर है यहाँ पे। ओ भाई भाई, तो एक काम करें क्या, भाड़ में जाए हम लोग एक को Protection 4 करते हैं, लेते हैं 4-5 बुक्स और मार देते हैं। ऊपर से उधर बगल में एक कोई अनजान व्यक्ति भी रह रहा है भाई, कोई बेस नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपना कुछ सेटअप करते हैं आजू बाजू। ऐसा करते हैं कि पता ना चले, जैसे इन लोग का भी नहीं पता चल रहा ना, मतलब पता होगा जरूर इधर ही आसपास पर पता नहीं चल रहा है। भाई ये बहुत डिफिकल्ट गेम है यार ये, मैंने क्यों एक्सेप्ट कर लिया ये इनवाइट। ओके ओ, ये मेरे स्किन को क्या हो गया भाई। ओके तो काफी दिनों बाद वापस से आ गए हम लोग वॉर नेटवर्क के सर्वर पे, और ये सर्वर पूरा अपडेट हो गया है। आई एम नॉट श्योर ये सर्वर पे वापस से अभी फेदर एसएमपी है कि नहीं। कट टू गाइस, जो क्लिप तुम लोग इससे पहले देख रहे थे उससे ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद का क्लिप अभी मैं शूट कर रहा हूँ। तो यस, वी क्विट फेड एसएमपी एट सम टाइम, व्हाई आई विल लेट यू नो। एक्चुअली सीन ये हुआ गाइस के मैं बहुत बहुत अच्छा गेम चल रहा था, तुम लोगों ने देखा मेरा गेम कितना सही चल रहा था अभी तक, ठीक है। तो मेरा गेम बहुत सही चल रहा था अभी तक, हम लोग केवल 2 हार्ट्स डाउन थे। और साथ ही साथ क्या हुआ था कि मैंने अपना एक छोटा सा सीक्रेट बेस वगैरह भी सेटअप कर लिया था, 2 विलेजर मूव भी कर लिए थे उसमें। अब ये सारी चीज मैंने ऑफ कैमरा किया था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, तुम लोग को मैं नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, मैंने किया था, ठीक है। इतना सब करने के बाद हम लोगों को लगा, मैंने एक थोड़ा सा सेटअप वेटअप बनाया, उसमें मैंने एक इंचेंटिंग सेटअप बनाया, ठीक है। तो मेरे को लगा कि भाई क्यों ना हम लोग ये करते हैं, वो लेवल अप करते हैं, ठीक है, लेवल गेन करते हैं। तो हम लोग चले गए नीदर
चले गए, ठीक है। नीदर में मैं सोचा चलो बहुत सारे क्वार्ट्ज माइन कर रहे, बहुत सारे क्वार्ट्ज और माइन करके मैं लेवल अप कर ही के वापस जब आया तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। वेल ओके, तो चलो भाई ये नीदर से चलो भाई, बहुत ज़्यादा डर रहा अपना है भाई ये। अभी के लिए मेरे पास 18 एंशिएंट डिब्रिड हो गए हैं और बहुत सारे क्वार्ट्ज हो गए हैं, एंड यस दैट इज इट। चलो चले वापस। ओ भाई साहब, नाइस बट नाइस माइनिंग। ओ भाई ये कहाँ आ गए? व्हाट अबे ये कितने लेवल पे आ गए हम लोग? ओ ये अंडरग्राउंड। अच्छा विलेजर्स को लोगों ने अंडरग्राउंड कैद कर दिया, इसीलिए मेरे को ये लोग मिल नहीं रहे थे भाई ऊपर। भाई इतने सारे विलेजर हैं यहाँ पे। ओ भाई यहीं पे ये लोग ब्रीडिंग करा रहे हैं भाई। ओके ये भाई क्या दे रहा है भाई लोग? पावर टू। अच्छा लगता है फिक्स नहीं किया भाई। ये जमीन पे क्यों सो रहा है भाई तू? भाई कितने इतने बुरे दिन क्यों आ गए भाई तेरे? जमीन पे क्यों सो? ओए ठीक है भाई। गाइस हमें मिल गया, गाइस हमें मिल गया, हमें फाइनली किसी का बेस मिल गया है। ओ मेरे को भाई चुल मच रही है भाई। ये कोई खास विलेजर लगता है, इसने अलग से कैद करके रखा है इसको। ओ भाई नाइस यार नाइस। तो फिर भाई गाइस समझ रहे हो तुम लोग, सब लोग समझ रहे हो क्या करा जाए तेरा? छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? पक तेरी पक पक पक। ओए ओए अबे नहीं, अबे अबे ओए आयरन गोलम, अबे व्हाट क्या भाई? नहीं ब्लॉक भाई, नहीं भाई 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 नहीं, अबे भाई शिट यार, मैंने को कहां था भाई मेरा दिमाग? ओए व्हाट मैंने यहां पे व्हाट मैंने राइट क्लिक कर दिया था क्या? शिट यार शिट, नहीं भाई नहीं भाई, ऐसे तो मेरा सारा हेल्थ चला जाएगा भाई। आयरन गोलम कब 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 शांत होता है भाई ये? अबे यार बेड तोड़ना पड़ेगा यार, बेड तोड़ो हट ले जा, चलती नहीं भाई, यहां पे रिस्पॉन मत करना बस प्लीज। ओ फाइनली भाई कांड हो गया भाई बक यार। सो यस तुम लोगों ने देखा मेरा दुख, और भाई ये जो तुम लोगों ने फुटेज देखा ये ऑलमोस्ट एक बार नहीं, मेरे साथ 4-5 बार हुआ टोटली। मतलब पहली बार तो मेरा जो बेड के वजह से एक दो हार्ट वहां पे चले गए, उसके बाद क्या लॉस हुआ कि मैं जब वापस अपना सामान लेने गया, ऑब्वियसली अब मेरे को इतना ग्राइंड करके मैं इंजन डिब्रिड वगैरह सब लेके आया था तो मेरे को वापस चाहिए था। मैं जब वापस लेने गया वो बेवकूफ गोलम अभी भी मेरे ऊपर ट्रिगर्ड था। वो मेरे को एक बार और मार दिया, उसके बाद उस रास्ते भाई वो जमीन के अंदर इतना अंदर है, मेरे को उसको खोजने में टाइम लगा क्योंकि मेरे पास अब कोई टूल्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो इतना ज्यादा झंझट हुआ उसको खोजने में। और खोजते फिजते जब हम लोग वहां पे पहुंचे वापस तो पता चलता है कि बीच में रास्ते में एक बार स्केलेटन मार दिया, एक क्रीपर फूट गया, कुछ ना कुछ कांड हो गया हमारे साथ। और भाई ऐसे ऐसे करते करते हम लोग लास्ट में बचे थे बस 3 हार्ट से, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस यार जितना कम हार्ट होते जाएगा उतना ज्यादा रिस्क पे होंगे हम लोग मरने का। मतलब बंदा एक स्केलेटन तुरंत एक शॉट में मार दे रहा भाई, वन शॉट मार रहा है। और उसके बाद फिर 3 हार्ट्स में भी मैंने डेयर लिया, मैंने बोला नहीं भाई चलो 3 हार्ट्स में भी हम लोग एक और ट्राई करते हैं। हम लोग डायमंड माइनिंग करने गए फिर मर गए तो फिर भाई मैंने रेज क्विट कर दिया, मैं नहीं खेल रहा भाई। वो 2 हार्ट्स पे मैंने क्विट किया वहां पे गेम, और भाई वो बहुत ही इरिटेटिंग था, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। सो यस दैट वाज द रीजन कि हम लोग आगे फुटेज नहीं निकाल पाए। बट फिर भी गाइस मैंने सोचा था कि मैं फेदर एसएमपी वापस से ज्वाइन करूंगा, मे बी इन अ न्यू सीजन, और मे बी कि मैं कुछ हार्ट्स अभी से रिक्वेस्ट करके हाथ मत जोड़ के पैर वैर पड़ के एक्स्ट्रा हार्ट्स ले करके स्टार्ट करूं। बट आई थिंक कि अभी का सर्वर वगैरह कुछ अपग्रेड हुआ है, कुछ लेटेस्ट कुछ चेंजेस आए हैं, तो आई कांट सी एनी एनपीसी फॉर फेदर एसएमपी। तो फिर ठीक है मेरे को अभी से इसके रिगार्डिंग बात करना पड़ेगा, तो इट विल टेक सम टाइम फॉर मी। तो जैसा भी अपडेट होगा गाइस तुम लोगों को जरूर से पता चल जाएगा। बाकी अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया और इस तरीके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर करो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताओ कि तुम लोग को और ऐसे कंटेंट चाहिए, मैं मेक श्योर करूंगा तुम्हारे हर रिक्वायरमेंट फुलफिल करूं। तब तक के लिए दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे गाइस, आई होप तुम लोग को मजा आया होगा। चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।